इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिमिट्स, बट लिमिट्स से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अब हमारा अगला कह सकते हो डेढ़ से दो महीने के आसपास क्या चलेगा। सो द टारगेट विल बी कि पहले लिमिट्स देखो होता क्या है, कैलकुलस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बेसिकली कैलकुलस। कैलकुलस में जो चीजें चाहिए आपको, अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड लेवल पे अच्छे से, तो क्लास 11th का फंक्शन, क्लास 11 का फंक्शंस चाहिए होता है, उसके बाद लिमिट्स चाहिए होता है, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, प्लस डिफरेंशिएशन, प्लस ओके, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैलकुलस के अंदर, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग, मैंने इधर कैलकुलस के अंदर हमारे को एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना होता है। यहाँ मैंने कह सकते हो क्लास 12th में जो फंक्शंस आता है उसको इग्नोर किया हुआ है, बिकॉज क्लास 12th के फंक्शंस का एज सच इस कैलकुलस में कहीं जरूरत अभी नहीं पड़ता है, तो उसको हम बाद में अलग से अपना डील कर लेंगे। सिमिलरली क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हल्का फुल्का कह सकते यूज आता है, तो वह हम किसी कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन के दौरान ही सीख लेंगे। आ रही है बात समझ में? कहने के लिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का वो भी इसके अंदर काउंट किया जाता है कैलकुलस के अंदर। बट अगर हम अभी बात करें अपना प्रॉपर बोर्ड हिसाब से जो हमको पढ़ना है, उसमें उसकी जरूरत एज सच नहीं है, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत पड़ता है जिसको हम किसी क्वेश्चन के दौरान समझ लेंगे। ठीक है, सो गाइस आपको आवाज आ रही है ठीक से मेरी? अनिकेत कह रहा आवाज नहीं आ रही। अनिकेत आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो गाइस देखो, अब यहां पे ये भी अपना क्लास 11th का है, ये भी क्लास 11 का है, लेकिन इसके बाद यहां से लेके यहां तक All are class 12 topics. और अगर मैं बात करूं बोर्ड्स का, तो बोर्ड्स में लगभग 35 आउट ऑफ 80 मार्क्स यहीं से आता है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने चैप्टर हो गए। अगर मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, अगर हम बात करें प्रॉपरली एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर्स 5 to 9, तो 5 चैप्टर है एक तरीके से, उसमें 35 नंबर चाहिए, सॉरी उससे 35 नंबर आते हैं। और इनको मतलब अभी जैसे कि हम अगर क्लास 12th के हिसाब से बात करें, तो 12th में हमारा सबसे पहला कैलकुलस का टॉपिक एक तरीके से आता है कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी इज 99% लिमिट्स। समझ में आ रहा है? 99% लिमिट्स। तो लिमिट्स अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी शायद 1 से 2 घंटे के अंदर कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा और अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो लिमिट्स में टाइम ज्यादा लगने वाला है, मानकर चलिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो 10 घंटे के अंदर हो जाएगा, और 10 घंटे में लिमिट्स होने के बाद अगले 4-5 घंटे के अंदर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम पूरा अच्छे से खत्म कर पाएंगे। ठीक है,
ठीक है, और टारगेट भी कहीं ना कहीं यही होना चाहिए। तो लिमिट्स की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। नेक्स्ट, आपके दिमाग में फिर ये आ रहा होगा कि क्लास 11 का फंक्शंस, उसकी क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हल्का फुल्का कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन रेंज भी नहीं, मेनली द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है और थोड़ा मोड़ा उसका बेसिक फंक्शंस के ग्राफ, ठीक है। तो एज सच इतना इन डिटेल फंक्शंस की जरूरत नहीं है, डोमेन का मतलब पता होना चाहिए और हल्का फुल्का फंक्शन का डोमेन निकालना आना चाहिए सिंपल फंक्शंस का। एंड इसके अलावा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, बेसिक फंक्शन के ग्राफ मुझे पता होने चाहिए कि उसके ग्राफ का शेप कैसा बनता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टडिंग कैलकुलस, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं फिर लिमिट से। लिमिट्स इज, देखो मैंने लिखा यहाँ पे लिमिट्स इज एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ योर क्लास 11, लेकिन ये सेंस नहीं बनाता है कि हम लिमिट्स पढ़ें बीच में और उसके बाद छोड़ दे और तीन चार महीने बाद 12th में वापस से कंटिन्यूटी से शुरू करें। उससे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लिमिट्स जनरली भूल जाते हैं। तो कहीं पे भी जहां तक मैं जानता हूँ, चाहे कोई छोटे ट्यूशन वगैरह हो जो 11 12th कराते हैं, बड़े बड़े कोचिंग हो जेई वगैरह के लिए, कोई भी लिमिट को कराने के तीन चार महीने बाद कंटिन्यूटी नहीं कराता। सब कोई लिमिट्स को 12th में पढ़ाते हैं और लिमिट पढ़ाने के बाद ही वो कंटिन्यूटी पे जाते हैं, ठीक है। ओम कह रहा है सर क्लास 11 का फंक्शन बता दीजिए। ओम ऑनेस्टली बोलो तो वो बताना पॉसिबल नहीं है इतना यार, आप इसको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बिकॉज जहां तक मुझे याद है फंक्शंस का टॉपिक ही चला था लगभग 25 दिन के आसपास कम से कम। आप लोगों को मैं छोटा सा टास्क दूंगा जो आप लोगों को खुद करना है, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि वी आर नॉट एट अ पोजीशन जहां पे हम किसी चीज को बहुत डिटेल में रिवाइज करवा सके। तो छोटा सा होमवर्क कह सकता हूं मैं, फॉर फ्रॉम फंक्शंस चैप्टर, देखो मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि फंक्शंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ डोमेन का, डोमेन अभी ऐसे समझाना मुश्किल है। तो फंक्शंस चैप्टर से आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ व्हाट इज अ फंक्शन। अगर वो आप लास्ट ईयर की मेरी रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग की दो तीन वीडियोस भी देख लोगे तो दैट विल बी मोर देन एनफ। व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज डोमेन, and how to find domain. How to find domain. Graph, graph का जो shape होता है एक तरीके से of some basic functions. तो पहले तो मैं बोलूंगा कि आप लोग पहले कुछ स्टार्टिंग के तीन चार वीडियोस की रिकॉर्डिंग देखो, ताकि अगर मुझे रिवाइज करवाने की भी जरूरत पड़े तो उतना दिक्कत ना हो। यस दिव्यांशु, लिमिट के क्वेश्चंस को आप 11th वाली बुक से करोगे, ठीक है, 11th वाली बुक से करोगे। सो ओके देन वी कैन स्टार्ट नाउ प्रॉपरली। आइडिया हो गया ना सबको कि व्हाट इज दिस एंड हाउ टू प्रोसीड। छोटा कोशिश ये रहेगी कि आज की क्लास में कहीं भी फंक्शंस का ऐसा जितना यूज ना पड़े, बट यस ये छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना पड़ेगा। ओम लिंक यूट्यूब के हमारे पेज पे है ही ऑलरेडी, स्टिल मैं लिंक एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं फिर स्टूडेंट्स विद द टॉपिक लिमिट्स। देखिए कोई पीपीटी नहीं बनाया मैंने जानबूझकर, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लिखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लिखो सुनो समझो, जहाँ पे दिक्कत होगी बताना, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता चला है सौरभ सर से कि लोग नोट्स वगैरह नहीं बना रहे, तो इसीलिए मैंने आज पीपीटी का कोई हिस्सा नहीं बनाया, तो आपके सामने लिखूंगा। अभी हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे लिमिट का, लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, लिमिट में बेसिक टर्म्स होते क्या है, ठीक है। अब जैसे लिमिट वर्ड का,
अपना डेली लाइफ में हम यूज कैसे करते हैं बताओ, लिमिट वर्ड का हम लोग डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं? हम नहीं कहते है, हद हो गई है, लिमिट हो गया इसका, है ना? तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का मीनिंग यहाँ पे भी ये है, बट यहाँ पे अंतर क्या होगा, यहाँ पे हम लिमिट जो निकाल रहे होंगे वो किसी फंक्शन का निकाल रहे होंगे, ठीक है? कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, ये हम धीरे धीरे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कुछ बेसिक मतलब टर्मिनोलॉजी है कॉमन सेंस वाला। जैसे कि सबसे पहले इफ अ वेरिएबल, इफ अ वेरिएबल एक्स, प्लीज राइट डाउन अलॉन्ग विथ मी, टेक्स वैल्यू विच आर मोर एंड मोर close to a finite number, A, then we say X approaches A. Written as x tending to a, ठीक है? ये क्या लिखा मैंने? अगर एक वेरिएबल वैल्यू ले रहा है, आप वेरिएबल की एक वैल्यू डाल रहे हो जो कि एक कोई नंबर a के बहुत क्लोज है, ठीक है? धीरे धीरे मतलब बहुत क्लोज जा रहा है a का। मान लो कि आपने वेरिएबल है x और वो नंबर है 5, तो आप x के जगह पे जो वैल्यूज डाल रहे हो वो 5 के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज मतलब 5.1, 5.01, 5.12, 5 के बहुत क्लोज, ठीक है? 5.0001, 5 से थोड़ा छोटा है लेकिन अगेन 5 के बहुत क्लोज है, 4.9, 4.99, ठीक है, 4.9123 ऐसे सोच लो। तो आप वैल्यूज जो ले रहे हो ये 5 के बहुत क्लोज है, या तो 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा या 5 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो हम लिमिट्स के लैंग्वेज में बोलेंगे x approaches a, जो कि नॉर्मल इंग्लिश में भी बोलते हैं x approaches a, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, x लिखोगे फिर एरो दोगे और फिर a की तरफ जाएगा, ठीक है? ये ओके आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यस अनिकेत, हम यहाँ पे फंक्शन की हद देखने वाले हैं। तो अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू एक नंबर के बहुत पास ले जा रहे हो, ठीक है, या उसमें जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, वेरिएबल की जगह जो वैल्यूज डाल रहे हो, अगर वो एक नंबर ए के बहुत पास है, ए से थोड़ा सा छोटा है लेकिन, या ए से थोड़ा सा बड़ा है, उस केस में हम बोलेंगे एक्स अप्रोचेस ए, उस केस में हम बोलेंगे एक्स अप्रोचेस ए। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज, x approaches a is not at all equal to x is equal to a। आप क्या कर रहे हो, आप वेरिएबल में a के बहुत पास की वैल्यूज डाल रहे हो, वेरिएबल में a की बहुत पास की वैल्यूज डाल रहे हो, आप उससे उसके बराबर वैल्यू नहीं डाल रहे हो, ठीक है? तो इसका मतलब अगर दैट इज इफ x इज अप्रोचिंग, if x is approaching let's say 5, then x is either very small, x is very very close to 5, but not exactly equal to 5, but not exactly equal to 5.
अगला आधा घंटा प्रॉपर थ्योरी चलेगा गाइस, तो प्लीज नोट करते रहिएगा, जहां दिक्कत होगा इंस्टेंटली पूछने का, ठीक है। तो अगर आप x को 5 की तरफ अप्रोच करा रहे हो तो x 5 के बहुत क्लोज होगा लेकिन 5 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो इक्वल टू लिखते हैं ना, सिंपल सी बात है, नहीं तो इक्वल टू लिखते हैं। यस आर्यन, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, ये तो हमने अप्रोच की बात की, ठीक है। अब आपके दिमाग में कौन है ये? अब आपके दिमाग में, हाँ सर स्लाइड पीछे कीजिएगा। हाँ 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 शुभम लेट आयो आप, 18 मिनट। यस सर। हो गया सर। हो गया, सबने नोट कर लिया? बढ़े आगे। नो सर, एक मिनट। बाकी आई थिंक समझ में आ गया ना, अंशु, हर्षित, निखिल, दीक्षा, दिव्यांशु? यस सर। ठीक है निमेश, सो हो गया। हो गया गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलो नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट। अब यार अभी मैंने बोला कि एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अब जैसे एक्स अगर पांच को अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच तो दो तरीके से होता है। एक जो पांच से छोटी वैल्यू डाल रहे हो, पांच से छोटी वैल्यू 4.9 4.91, मतलब पांच के बहुत क्लोज है लेकिन पांच के छोटे हैं, और सिमिलरली वैसी वैल्यूज भी हो सकती है जो पांच से बड़े हैं लेकिन अगेन पांच के बहुत क्लोज है, तो उसको भी फर्दर यहाँ पे हम लोग उसका राइटिंग क्या होगा। जैसे x approaches to a का मतलब क्या होता है, हम दोनों डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, हम ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि x को हम लोग x 5 से जस्ट छोटी वैल्यूज भी डाल रहे हैं और 5 से जस्ट बड़ी वैल्यूज भी डाल रहे हैं। बट अगर आप एकदम क्लियर कर देते हो कि वो वैल्यू जो है वो 5 से थोड़े से बड़े है या 5 से थोड़े से छोटे है, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो यहां आएगा इफ, नोट करिए, इफ वैल्यू ऑफ x कम क्लोजर टू a, इफ वैल्यू ऑफ x कम्स क्लोजर टू a बट नंबर वन आर ऑलवेज ग्रेटर देन a, then we say that x approaches a from right, जब आप अब इस वाले पर्टिकुलर केस की बात करें जहां पे हम जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं वेरिएबल का वो ए से बड़ा ही है हमेशा, तो हम उसको क्या बोलेंगे लिमिट की लैंग्वेज में, हम बोलेंगे एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट, ठीक है। इसका कैसे लिखोगे, इसका राइटिंग रिटन एज एक्स अप्रोचिंग ए प्लस, ठीक है ना, तो ए के ऊपर छोटा सा एक प्लस का साइन लगा देंगे, ये बताएगा कि हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं वो ए से थोड़े से बड़े वैल्यूज है, ठीक है ना, ए से थोड़े से बड़े वैल्यूज है। आई बिलीव अभी थोड़े से बड़े सर कितना हो सकता है सर, लिमिट्स जैसे इसका कितना तक? देखो इनफाइनाइटली स्मॉल बोलोगे, मतलब मान लो अगर हम 5 से जस्ट बड़ा की बात करते तो वी कैन कंसीडर 5. लेट्स से 10 बार 0 लिखा उसके बाद 1 लिखा है, इस तरीके की वैल्यूज की बात करें, क्योंकि 5 के नेबरहुड में है, 5 के बहुत क्लोज है, ठीक है। ऐसे सोच लो कि आपका घर है आपके बगल वाले का घर, इतना क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, तो गाइस ये हो गया राइट से, ठीक है ना, राइट से अप्रोच कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरा केस क्या हो सकता था, लेफ्ट से। तो सिमिलरली अगर वैल्यूज जो है आर ऑलवेज लेसर देन ए,
देन वी से हम उसको लिमिट्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, दैट एक्स अप्रोचेस, एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, हम बोलेंगे एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट। इसका राइटिंग क्या होगा गाइस, कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखा जाएगा एक्स अप्रोचिंग ए और उसके ऊपर छोटा सा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर छोटा सा माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस बताएगा कि ए से थोड़ी छोटी वैल्यू है। नोट कर लीजिए जल्दी से, आर्यन वन थर्ड अगेन ऑलमोस्ट सेम वेटेज, बट वहां पे डिफिकल्टी लेवल इससे भी थोड़ा ऊपर निकल जाता है। गाइस सबने नोट कर लिया, ओके okay. तो लेट्स से हम इसी को थोड़ा सा नंबर लाइन पे समझ लेते हैं ना, इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे लेट्स से फ्रॉम राइट साइड, अगर मैं बात करूं फ्रॉम राइट साइड एक्स अप्रोचिंग टू लेट्स से टू प्लस की बात कर लेते हैं, ठीक है, x अप्रोचिंग टू 2 प्लस की बात कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे 2 को मार्क करेंगे और हमारा जो x होगा, हमारा जो x होगा वो कहीं ना कहीं इसके राइट में होगा, हमारा जो x होगा वो कहीं ना कहीं इसके राइट में होगा और हम लोग उसको उसकी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, है कि नहीं, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x होगा that can be 2.01, that can be 2.001, that can be 2.0001, मतलब बहुत क्लोज। अब धीरे धीरे देखो, ऑब्वियस ही बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बार में एकदम क्लोज होंगे, और प्लस 2 से जस्ट छोटा नंबर, 2 से जस्ट बड़ा नंबर ऐसा तो डिफाइंड है नहीं, तो आप धीरे 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 चल के आ रहे हो, ठीक है, पहले आए 2.01 से, उसके बाद आए 2.001 पे, उसके बाद 2.0001 पे, अब इस तरीके से धीरे धीरे जा रहे हो और आई थिंक चलते रहोगे, 2 तक कभी पहुंचोगे नहीं, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू नंबर लाइन। नाउ लेट्स से अगर हम इसी की बात करें फ्रॉम LHS, तो नंबर लाइन पे आई थिंक अब आप समझ पा रहे होगे कि नंबर लाइन पे हम इसको क्यों कहते थे कि हम लेफ्ट राइट से अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो उसके राइट पे रहती है, यहाँ जो x होता है वो उसके राइट पे रहती है। सिमिलरली लेफ्ट के केस में हम क्या लिखेंगे, मान लो x अप्रोचिंग 2 माइनस, ठीक है, x अप्रोचिंग 2 माइनस, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमने 2 लगाया और अब x जो होगा वो इसके लेफ्ट में होगा और आप इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे होगे, x इसके लेफ्ट में होगा और आप इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे होगे, तो अब आपकी जो वैल्यूज होंगी वो हम कह सकते हैं इट कैन बी लेट्स से पहले आप 1.99 पे आए, उसके बाद 1.999 पे आए, फिर 1.9999, मतलब वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ओके। आई बिलीव यहां तक सबको समझ में आ गया कि अभी हमने सिर्फ ये बात किया कि वेरिएबल की वैल्यू अगर एक नंबर की टुवर्ड्स अप्रोच करती है, लेट्स से 2, तो हम लिखेंगे एक्स अप्रोचिंग 2, ठीक है। अब आप उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो या लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं तो आपकी जो वैल्यूज होती है एक्स की वो हमेशा 2 से बड़ी होंगी, लेकिन 2 के बहुत क्लोज रहेंगे, उसको आप मैथमेटिकली शो करोगे x अप्रोचिंग एरो लगाओगे 2 प्लस लिखोगे। सिमिलरली जब आप उसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो नंबर लाइन पे, तो वैल्यूज जो होंगी वो 2 से छोटी होंगी थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी छोटी होंगी बट अगेन 2 के बहुत क्लोज रहेंगी।
तो ये तो हो गया कि वेरिएबल वेरिएबल कहां पे अप्रोच करे. नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ और यू कैन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लिमिटिंग वैल्यू. मीनिंग ऑफ अ लिमिटिंग वैल्यू. आई थिंक थोड़ा थोड़ा लिमिटिंग वैल्यू का आइडिया आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कोई वैल्यू की लिमिट पहुंच रही है ना, लिमिट आ रही है, मतलब उससे ऊपर नहीं जा रहे, तो इसको हम समझते हैं ये है क्या. तो मान लीजिए कि एक फंक्शन है, एनी फंक्शन, ठीक है, लेट्स से एनी फंक्शन एफएक्स. एंड एफएक्स लिखने का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, इट्स अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स, है कि नहीं, अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स. तो यहां पे आपका x आपका वेरिएबल वो कह सकते हो इनपुट रहेगा और fx उसका आउटपुट रहेगा. सो इफ इफ fx कम्स क्लोज टू a या क्लोज टू l, अगर fx की वैल्यू, ठीक है, अगर fx की वैल्यू l के तरफ पहुंच रही है as x approaches a, as x approaches a, तो समझो यार फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो फंक्शन इज लाइक एन इनपुट आउटपुट सिस्टम ना, आप उसमें इनपुट देते हो तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकलता है. अब वो फंक्शन स्क्वायर का होगा तो अगर मैं इनपुट दूंगा 5 का वो 25 निकाल कर देगा, ठीक है. अगर वो मशीन ऐसा है जो कि मान लो आलू डालने से सोना निकालती है, तो मैं यहाँ पे 1 kg आलू डालूंगा तो वहां से 1 kg सोना निकलेगा, ठीक है. अगर आप अपना जैसे अभी घर पे बैठे हुए हो, लाइट ऑन किया होगा, अगर बैठ के पढ़ रहे हो तो आपने लाइट ऑन किया, स्विच ऑन किया है, आपके आपके लाइट ऑन हुए होंगे, आपके घर के लाइट, ठीक है. तो इस तरीके से ये फंक्शन में होता क्या है, फंक्शन में इट्स ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट थिंग ना, कि हमने कुछ इनपुट डाला उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकलेगा. अब इट विल डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द फंक्शन. अब मान लो कि आपका एक स्क्वायर का फंक्शन है, जैसे कैलकुलेटर में होता है ना स्क्वायर का बटन होता है, तो आपने स्क्वायर के बटन पे क्लिक किया, 5 दबाया, वो ऑटोमेटिकली आपको 5 का स्क्वायर 25 देता है. मान लो क्यूब का बटन होता तो आप 5 डालते तो वो 5 का क्यूब 125 निकाल कर देता है. पावर 4 होता तो 5 का पावर 5 क्लिक करते वो 5 का पावर 4 कैलकुलेट करके आपको बताता. तो इस तरीके से ये आप जो वैल्यूज डाल रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज बोलते हैं. वो हमारा वेरिएबल होता है, इनपुट होता है, और मशीन से जो निकल कर आ रहा है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है, उसको आउटपुट बोलते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पे जब मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो जिन लोगों को फंक्शन नहीं पता ठीक से, आप अभी इसको ऐसे समझो कि एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब होता है कि जो फंक्शन है उसमें इट इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स, तो हम एक्स की वैल्यूज को डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकलते हुए आएगा. अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे बस लिख रहा हूं, आप मत लिखना, बस समझाने के लिए कर रहा हूं. मान लीजिए कि फंक्शन इज साइन ऑफ एक्स, फंक्शन इज साइन ऑफ एक्स. तो अगर मैं x के जगह पे, अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो x है दिस इज एंगल, तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे मान लो 30 डिग्री डालता हूँ, तो मेरे को मशीन क्या कैलकुलेटर क्या कैलकुलेट करके देगा, साइन 30 कैलकुलेट करके देगा, ठीक है. साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो मशीन आपको 1/2 कैलकुलेट करके देगा. अगर आपने 60 डिग्री पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो अब वो साइन 60 कैलकुलेट करके √3/2 आपको बताएगा, है कि नहीं. तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक फंक्शन का फंडा होता है. अब उसमें क्या रहता है कि डोमेन रेंज विल डिस्कस लेटर, जहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी. तो यहां एक चीज आपको समझना है कि जब आप एक्स को, अब एक फंक्शन है, उस फंक्शन में वेरिएबल को अगर आप एक नंबर की तरफ अप्रोच करा रहे हो, तो पूरा फंक्शन का वैल्यू भी किसी की तरफ अगर अप्रोच कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग हमेशा करेगा, बट देयर आर सम फंक्शन, इनफैक्ट बहुत सारे फंक्शन है जहां पे अगर आप वेरिएबल की वैल्यू को एक एक नंबर की तरफ अप्रोच करा रहे हो, तो उसके कारण पूरी फंक्शन की वैल्यू भी एक वैल्यू को अप्रोच कर रही है. उस केस में जैसे यहां पे लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स अप्रोचेस क्लोज टू एल, अगर
एफ एक्स एल की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे फंडा क्या है, जब इनपुट ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमारा आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ जा रहा है, ओके। देन तब हम क्या बोलेंगे, देन वी से दैट एल इज द लिमिटिंग वैल्यू बोलो या सीधा लिमिट भी बोल सकते हो, देन एल इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स, देन एल इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। इनपुट को आप एक नंबर की तरफ जब अप्रोच करा रहे हो और आउटपुट उसके कारण कोई एक दूसरे नंबर की तरफ, मान लीजिए एल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो एल है वो मेरा लिमिट होगा उस फंक्शन का जब एक्स ए को अप्रोच करता है। हाँ हर्षित बताओ। सर मतलब एक्स का वैल्यू कितना भी डाले तो सर वो एल तक ही रहेगा, मतलब लिमिट एल ही है। अगेन आप एक्स की वैल्यू अगर ए को अप्रोच करा रहे हो, मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फंक्शन एक एग्जांपल से इसको समझते भी हैं आगे, ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बट अभी के लिए इसको ऐसे समझो कि जब आप एक्स की वैल्यू मान लो 2 को अप्रोच करा रहे हो और जिसके कारण आपकी फंक्शन की वैल्यू भी धीरे धीरे 4 को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो 4 है ये फंक्शन का लिमिट हो गया जब एक्स 2 को अप्रोच कर रहे है। क्या होगा, 4 आपका फंक्शन का लिमिट हो गया जब x2 को अप्रोच कर रहा है। आप ऐसे सोचो कि आप किसी से काम करवाना चाहते हो, ठीक है, अब आप उसको जैसे जैसे प्रेशर दे रहे हो, जैसे जैसे मान लो प्रेशर दे रहे हो, एक पॉइंट से आगे आप प्रेशर नहीं दे सकते। आपने सोचा कि मान लो ये इससे काम करवाना है, मैं 10 घंटे काम करवाऊंगा, तो 10 घंटे में मान लो उसने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 10 क्वेश्चन अब उसको आप सारे मतलब 10 घंटे के आसपास का टाइम दे रहे हो, तो 20 क्वेश्चन के आसपास हो रहा है, तो यहां हम बोलेंगे कि 20 क्वेश्चन जो है वो उसकी लिमिट हो जाएगी अगर आप उसको 10 घंटे का टाइम देते हो। 20 क्वेश्चन इसकी लिमिट हो जाएगी जब आप उसको 10 घंटे का टाइम देते हो। तो मैथ्स में क्या बात है कि फंक्शन है तो भाई उसका एक इनपुट होगा, तो इनपुट को अगर आप ए तक ही अप्रोच करा रहे हो, ए को अप्रोच कराने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से हो सकता है, राइट हैंड साइड से हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन उसके कारण जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो अगर L को अप्रोच कर रही है, L क्या है यहाँ पे, L इज एनी अदर नंबर, A इनपुट के लिए एक तरीके से L आउटपुट समझो फिलहाल अगर ऐसा है तो। तो जब आप A की वैल्यू डाल रहे हो और फंक्शन किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उस केस में हम बोलेंगे कि वो वाली वैल्यू फंक्शन की लिमिट हो जाती है जब X A को अप्रोच करेगा। एम आई क्लियर, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया है आप लोगों को? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया है? किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछे। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेकर अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूं इफ दिस लॉजिक इज क्लियर और नॉट। एग्जांपल, यस, थोड़ी देर में एग्जांपल आते हैं, अभी ये लिमिट से पहले ये हो गया ना, तो पहले हम एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, उसके बाद अभी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नहीं जाते, हम पहले ना बेसिक थ्योरी पे जाते हैं, ताकि जब मैं एग्जाम्पल को समझाने के टाइम पे वो टर्म्स का यूज कर रहा हूंगा तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो फोर्थ इज RHL, मान लो RHL इज बेसिकली राइट हैंड लिमिट, RHL इज द शॉर्ट ऑफ राइट हैंड लिमिट। अब जब मैं राइट हैंड लिमिट लिख रहा हूं, तो अभी हमने लिमिट के ऊपर तो थोड़ा सा बात कर लिया है, और साथ ही साथ थोड़ी देर पहले हमने एक वैल्यू राइट से अप्रोच करती है उसका मतलब क्या होता है वो भी आप समझे हुए, तो अगर आप उन दो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मिलाए तो यहां लिखेंगे इफ एफ एक्स अप्रोचेस, अब मैं लाइन नहीं लिखे, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एफ एक्स एरो एल देने का मतलब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, एफ एक्स जो है एल वन को अप्रोच कर रहा है। इफ एफ एक्स अप्रोचेस एल वन एज एक्स अप्रोचेस ए प्लस,
तो जब आप किसी एक वेरिएबल को एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करा रहे हो फ्रॉम राइट हैंड साइड, आप एक वेरिएबल एक्स को एक वैल्यू ए की तरफ अप्रोच करा रहे हो राइट हैंड साइड से, जिसके कारण आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो L1 को अप्रोच कर रही है, उस केस में देन L1 इज कॉल्ड एस राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन. हम उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a. तो जब हम ये लैंग्वेज देखो यार, दिस इसका मतलब इसके बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें सेम है. तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे एक फंक्शन का x का वैल्यू a पे, इसका मतलब क्या होगा, हम x को राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे ए की तरफ, और उसके कारण फंक्शन की वैल्यू L1 को अप्रोच कर रही है, ठीक है ना, उसके कारण फंक्शन की वैल्यू L1 को अप्रोच कर रही है. तो हम उस केस में बोलेंगे कि वो जो L1 है वो आपका फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है x का वैल्यू a पे. जब हम राइट हैंड लिमिट x का वैल्यू a पे कैलकुलेट करेंगे ना गाइस, किसी भी फंक्शन का अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो x का वैल्यू a पे, तो आप समझना कि आप x को अप्रोच करा रहे हो a की तरफ RHS से, राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हो. एम आई क्लियर, टेल मी, कोई दिक्कत यहां पे? सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का फंडा क्लियर है, सर एक बार और समझा दीजिए. देखो हर्षित, हमने सबसे पहले एक बात किया था ना कि आप सिंपल एक वेरिएबल को हम चाहे तो एक वैल्यू की तरफ ए की तरफ LHS से भी अप्रोच करा सकते हैं और RHS से भी अप्रोच करा सकते हैं, राइट, दोनों साइड से अप्रोच करा सकते हैं. अब फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन भी तो एक तरीके का सिस्टम ही है जहां पे आप इनपुट देते हो और आउटपुट निकलता है. तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये नीचे देखो, आप x को ये फर्स्ट वन फ्रॉम राइट साइड, जब आप x को 2 की तरफ अप्रोच करा रहे हो लेकिन राइट से अप्रोच करा रहे हो, मतलब आप जो इनपुट डाल रहे हो ना वो 2 से थोड़े से बड़े इनपुट है, और उसके कारण अगर आपका फंक्शन का वैल्यू जो है L1 के बराबर आ रहा है, L1 के बहुत क्लोज आ रहा है, तो उस केस में हम उस L1 को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो जो L1 है ना वो उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है. जब आप x का वैल्यू a पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, उसका क्या है, राइट हैंड लिमिट है. राइट हैंड लिमिट बोलने का मतलब क्या हुआ, आप x को a की तरफ राइट साइड से अप्रोच करा रहे थे, x की वैल्यू a को राइट साइड से अप्रोच करा रहे थे और फंक्शन की वैल्यू L1 को अप्रोच कर रही थी. अच्छा सर, हाँ अनुष्का बोलिए. सर जैसे आप यहाँ पे बोले x approaches to, एक एग्जांपल लिए थे, हाँ, तो वहां पे जो x का वैल्यू आ रहा था जैसे 2.01001 ऐसे करके आ रहा था, तो वो उसका लिमिट हो गया, हो जाएगा. नहीं, वो वेरिएबल को हम अप्रोच करा रहे थे, वो वेरिएबल. अच्छा रुको, ये इसको समझाने के लिए एक मिनट, एक बार हम लोग राइट हैंड लिमिट का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हम लिखे हैं, ठीक है, सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखना चाहें तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे LHL. LHL will be my left hand limit. इसका मतलब क्या होगा? If x approaches a minus, अगर x a minus को approach कर रहा है, and due to which f of x is approaching L2. तो यहाँ पे हम x को अगर a minus, a से just छोटी values, a को हम left hand side से जब approach करा रहे और मेरा function L2 की तरफ approach कर रहा है, then L2 is said to be, then L2 is said to be the left hand limit of fx at x is equal to a, then
L2 is said to be the left hand limit of fx at x is equal to a. अब मैं इसको समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल लेता हूं, so that ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो. लेट मी टेक एन एग्जांपल. ठीक है, वेट कीजिएगा सर. उन्हें म्यूट कर लो. बड़े सिंपल से एक फंक्शन लेते हैं. मानो मैंने एफ एक्स रखा है, एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है, एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं. ओके, और मान लो कि हम चाहते हैं कि एक्स अप्रोचिंग टू प्लस हो. एक्स अप्रोचिंग टू प्लस हो तो पहले हमने रखा, मान लीजिए 2.5 रखा. 2.5 ज्यादा बड़ा हो जाएगा भाई. मान लीजिए हमने रखा 2.2. ठीक है, 2.2 2.3 अभी उसके पास चल रहे. तो जब हम इनपुट डालेंगे 2.2, आप उसका आउटपुट क्या निकलेगा? उसका आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट विल बी 2.2 का स्क्वायर. 2.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4.84. ठीक है, मान लीजिए अब हम 2.1 डाल रहे हैं. अब उसका स्क्वायर कितना होगा? 4.41. मान लीजिए मैं 2.01 डाल रहा हूं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यार? 201 का स्क्वायर. भूल ही गया क्या मैट्रिक? कितना है? 4.20. नहीं नहीं, 4.20 नहीं है एक्चुअली में सर, 16.08. वाह 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 वाह, 16.08 सर. 4.0401 होगा. हाँ सर, 4.04. जिसने कैलकुलेटर भी अगर लगाया है तो, मैं स्क्वायर कर रहा हूं खाली, जो भी इनपुट डाल रहे हो उसका स्क्वायर कर रहा हूं. ठीक है, चलो बताओ बताओ, कैलकुलेटर लगाओ, इसको बताओ, लगाओ जल्दी, बताओ कितना आ रहा है. मैं निकालू क्या सर? 4.0401. 4.004001. ठीक है, अब सर 4 पॉइंट के बाद 4 जीरो लगा लीजिए, फिर 4, फिर 4 जीरो, फिर 1. ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये दिख रहा है कि एस एक्स इज अप्रोचिंग 2 प्लस, जैसे जैसे आप एक्स को 2 की तरफ अप्रोच करा रहे हो लेकिन राइट हैंड साइड से, जैसे जैसे आप x को 2 की तरफ अप्रोच करा रहे हो लेकिन राइट हैंड साइड से, उस टाइम पे आपका फंक्शन का वैल्यू धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है? आप लोग खुद देखकर बताओ, फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है? 4 की तरफ की तरफ जा रहा है ना. लेकिन क्या किसी भी पॉइंट पे ये 4 के बराबर होगा? नो सर, किसी भी पॉइंट पे ये 4 के बराबर नहीं होगा, हमेशा 4 से थोड़ा बड़ा ही रहने वाला है, राइट? तो जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि 2 प्लस लिखने का मतलब तो अप्रोच कराना हुआ, तो कहीं ना कहीं जब हम x को 2 की तरफ अप्रोच करा रहे, x को जब हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करा रहे थे, तो हमारा फंक्शन भी कहीं ना कहीं 4 की तरफ अप्रोच हो रहा था, लेकिन हमेशा 4 से बड़ा था. तो यहां पे आप क्या बोलोगे? Here we will say that
4 is the right hand limit of x, right hand limit of function at x is equal to 2. अब गाइज x इज इक्वल टू 2 पे मैंने वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया, मैं कह रहा हूं जब x का वैल्यू 2 पे आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो उसका तरीका क्या होता है, आप 2 को राइट साइड से अप्रोच कराओगे और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखोगे। बोलिए आया है ये समझ में? अब टेल मी एवरीवन, क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गया अभी? राइट हैंड लिमिट किसको बोलोगे, कैसे निकालते हैं, ये फंडा क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछे। सर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो फिर 2 ही उसका RHL हो जाता। दोबारा कहिए, का आवाज कट गई थी। fx is equal to x square आप लिए है ना, तो वहाँ पे fx is equal to x होता तो फिर RHL भी उसका 2 ही हो जाता। हाँ हाँ, तब उस केस में हम कह सकते थे RHL भी 2 हो जाता, ठीक है? ओके तो गाइस ये तो हो गया। अब आपको मैं एक छोटा सा अपन राइट हैंड लिमिट के लिए भी देख लेते हैं और एक दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं ना, अब सिंपल कर देता हूं थोड़ा सा। और ये मत सोचना कि बस यही लिमिट है क्या, आते लोगों के दिमाग में मन डाउट, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि बकरे को हलाल करने से पहले खिलाना पिलाना होता है ना, वो चल रहा है अभी मेरा। उसके बाद आएगा। लिमिट बनाने जाऊंगा तो जेई के बैच से तो आधे लोग जेई करना छोड़ देंगे। ओके तो चलिए एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। अब एक्स प्लस 5 ले लिया, ठीक है, एक्स प्लस 5, और अब हम यहाँ पे 2 को ही अप्रोच करा रहे हैं लेट से, लेकिन अब 2 माइनस है तो अब यहाँ पे मान लो मैंने रखा 1.99, या चलो पहले 1.9 से शुरू करते हैं। तो अगर मैंने x को 1.9 रखा तो उस हिसाब से मेरा फंक्शन क्या होगा, 1.9 प्लस 5 हो गया 6.9। अगर मैंने इसको 1.95 रखा, ठीक है, अब ये 1.95 जो है वो 1.9 से तो ज्यादा क्लोज है 2 के, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 6.95 हो जाएगा। 1.99 रखा लेट से, तो अब ये 6.99 हो जाएगा। 1.3 बार 9 लिख दिया तो ये 6.999 हो जाएगा। क्या दिख रहा है अब आपको कि मैं जितना 9 बढ़ाते जाओ, जितना हम क्लोज जाते रहे, वो वैल्यू किसके तरफ जा रही है बताइए? सेवन की तरफ, exactly. तो यहां हम as x approaches to minus, मतलब जैसे जैसे हम 2 की तरफ अप्रोच करा रहे लेफ्ट हैंड साइड से, हमारा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 7 को अप्रोच कर रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यूज डाल रहे थे वो 2 के लेफ्ट से डाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे that 7 is the LHL left hand limit of function, क्या function है वैसे, यहाँ पे हमने function select किया x plus 5 at x is equal to 2। आ रही है बात समझ में? तो क्योंकि हम 2 के left से values डाल रहे थे, x 2 के left से values डाल रहे थे, तो इसलिए 7 क्या होगा, मेरा left hand limit बुलाएगा। क्या अब आपके दिमाग में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का लॉजिक क्लियर है? क्या आपने महाभारत की जंग जीत ली? यस सर, जीत ली। वेरी गुड वेरी गुड। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए जल्दी से। सर LHL वाला स्लाइड खोलिएगा थोड़ा। LHL और RHL में अंशु कुछ भी अलग नहीं है, मतलब जो लैंग्वेज मैंने RHL के लिए यूज किया सिर्फ चेंजेस देख लो ना, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट भी कर पाओ। ये देखो यहाँ पे x अप्रोचिंग A प्लस था और हमारा फंक्शन अप्रोच कर रहा था L1 को, तो इसलिए हमने L1 को क्या बोला है, L1 को हमने फंक्शन का राइट हैंड लिमिट बोला है। और यहाँ पे जब आप X को A माइनस से अप्रोच करा रहे हो, मतलब आप A के लेफ्ट से अप्रोच करा रहे थे, और अब आपका जो फंक्शन है उसके कारण L2 को अप्रोच कर रहा था,
तो उस केस में आप उस L2 को क्या बोलोगे, आप उस L2 को उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट बोलोगे। कितने लोग सो के पढ़ाई कर रहे हो, उठ जाओ यार, मेरे को पता है वेदर अच्छा है लेकिन उठ के पढ़ाई कर लो, क्योंकि आपके भी मतलब नींद को कंट्रोल करने का लिमिट होगा ना जब आप लेटे होगे तो। चलिए अब इसको जल्दी से नोट कर लो, जिसको करना है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए गाइस। इनफैक्ट स्टार्टिंग के एक दो वैल्यूज लिखिए, क्लास के बाद उसको फिल कर लीजिएगा बिकॉज आपको आइडिया हो गया है। ओके क्योंकि ये समझाने के लिए मैं बहुत स्लो गया हूँ इस चीज को। आयुष पूछ रहे कि सर कुड बी टेक ए प्लस थ्री और एनी अदर एक्सप्रेशन इन आरएचएल? यस यू कैन टेक एनी अदर एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोशन कह रहा है सर तो सभी केस में एलएचएल और आरएचएल इक्वली होगा? नहीं होगा रोशन, हम बात करेंगे इसके ऊपर। अभी तो मैं बस समझा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, बट आपको केसेस देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल लूंगा अभी अभी लूंगा, इसी क्लास में लूंगा, ठीक है। चलिए बड़े आगे फिर गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सर वहां पे 1.95 नहीं होगा, 1.99 होगा। हैं बहुत अच्छा पकड़ रहे हो, हम बस वैल्यू 2 के क्लोज ले जा रहे थे तो पहले 1.9 आया, उसके बाद 1.95 आया, उसके बाद 1.99। ऐसा थोड़ी बोला कि 9 ही ऐड करना है, अब मैं उधर 1.94 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम वैल्यूज को 2 को तरफ अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे गाइस। सो फाइनली हमने क्या क्या चीजें समझ ली है, हमने एक नंबर को अप्रोच करना, मतलब एक्स अप्रोचिंग ए का मतलब क्या होता है। एक्स अगर ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमने 6 कॉन्सेप्ट देखे, ब्रॉडली 2 कॉन्सेप्ट देखे, लिमिट और एक वैल्यू एक नंबर को अप्रोच करे। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से अप्रोच करने के कारण देयर आर टोटल ऑफ 4 केसेस यू कैन सी। सबको बता दिया, सबको बता दिया। हाँ रोशन, अनिमेश कह रहा है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है इस केस में एलएचएल आरएचएल इक्वली होगा, नहीं ऐसा नहीं है, अभी आपको खिला पिला रहे, बाद में हलाल करके वो सारे एग्जाम्पल्स देंगे। ओके सो नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब मैथ्स की लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे कि किसी पॉइंट में किसी फंक्शन का लिमिट है, आप कैसे बताओगे कि अच्छा इस पॉइंट के अराउंड ये फंक्शन का लिमिट आ गया, फंक्शन इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ये इस वैल्यू पे रह जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन कहती है कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट तब डिफाइन होगा व्हेन एट एक्स इक्वल ए, व्हेन जब एक्स का वैल्यू ए पे आपने एलएचएल एंड आरएचएल जब आपने दोनों कैलकुलेट किया, मतलब एक बार आपने ए को लेफ्ट से अप्रोच करा के फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट किया और एक बार ए को राइट से अप्रोच करा के फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट किया, तो जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है, जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, तब आप कहते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर मैं पिछले वाले स्लाइड के अकॉर्डिंग बात करूं तो इस स्लाइड में मैंने राइट हैंड लिमिट को L1 माना था x का वैल्यू a पे और लेफ्ट हैंड लिमिट को L2 माना था x का वैल्यू a पे। तो अगर हम इसी एग्जांपल के हिसाब से बात करें गाइस, इसी एग्जांपल के हिसाब से बात करें तो हमको ये कहना होगा दैट इज L1 इज इक्वल टू L2, L1 इज इक्वल टू L2, इज इक्वल टू L एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि दोनों की वैल्यू थी L। आ रही है बात समझ में?
आपने क्या किया था, x का वैल्यू a पे हमने वहां पे स्लाइड में राइट हैंड लिमिट l1 बताया था, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट l2 बताया था। अगर l1 की वैल्यू l2 के बराबर है और दोनों को दोनों की वैल्यू मान लीजिए l के बराबर है, दोनों की वैल्यू मान लीजिए l के बराबर है, तो उस केस में या दोनों की वैल्यू सेम है, बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो आप बोलोगे कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप बोलोगे वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसका राइटिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो रिप्रेजेंटेशन होगा आप एल आई एम लिखोगे लिमिट के स्टार्टिंग तीन लेटर्स, एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग ए, इसको कैसे पढ़ोगे आप, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग ए। अब आप देखो कि मैंने ए के ऊपर प्लस माइनस नहीं लगाया, तो वी आर कंसिडरिंग बोथ द सिनेरियोस जहां पे आप एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करा रहे हो और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करा रहे हो, और जब दोनों केसेस में वैल्यू सेम आता है तभी हम ये लिखते हैं। जब दोनों केसेस में वैल्यू सेम आया तो आप यहां पे क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे फॉर दिस हियर इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल, अगर एल एच एल आर एच एल दोनों की वैल्यू एल के बराबर है तब आप लिखते हो लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। आ रही है बात समझ में, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट डिफाइन होने के लिए आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि क्या उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट आया, क्या उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट आया, और अगर आया तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट डिफाइंड है। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको किसी पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करना है फंक्शन की, तो आप पहले उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, और जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, तभी आप बोलोगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट है और उस लिमिट का वैल्यू लेट से एल है। एम आई क्लियर गाइस, एम आई क्लियर आउट हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाई टेकिंग वन एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको। हाँ बोलो अनिमेश सर, एक मिनट पीछे करिए सर, ये चीज क्या है, ये मैंने बोला कि मान लो L1 और L2 दोनों L के बराबर है, ठीक है, मतलब आपने राइट हैंड लिमिट L1, मैंने पिछले स्लाइड में राइट हैंड लिमिट को L1 से रिप्रेजेंट किया था और लेफ्ट हैंड लिमिट को L2 से रिप्रेजेंट किया था, मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम थी एंड दैट वाज इक्वल टू L, तो उसी को यहां पे मैंने नीचे लिखा है, ठीक है सर, वो ब्रैकेट में से लिखे हैं। हां से लिखा। निखिल पूछ रहा है कि सर अगर इक्वल नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा निखिल, नहीं करेगा, अभी वही कुछ कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और ये सब फिर हम फंक्शन की ग्राफ के ऊपर देखेंगे गाइस, ये सब कुछ हम फंक्शन की ग्राफ के ऊपर देखेंगे, अभी तक टर्मिनोलॉजीज के साथ हम खेल रहे थे। आगे बढ़ू क्या, एक यहाँ पे छोटा सा नोट लिख लो भाई, फंक्शन का वैल्यू क्या है इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक चीज नोटिस कियो, हमको कहीं पे भी हमने अभी तक ये नहीं बात की कि एग्जैक्टली एक्स का वैल्यू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, बात की क्या हमने, नहीं, हमेशा हम किस पे बात करें, ए के लेफ्ट से ए के राइट से, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू
किसकी तरफ जा रही है। ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू टेक एन एग्जांपल और थोड़ा सा इस चीज को आप समझते हैं। हाँ हाँ, दिव्यांशु पूछ रहे कि सर हम लोग भी ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको जैसे कन्वर्ट करना चाहते हो कर लो, चाइनीज में कन्वर्ट करना चाहते हो, एसएमईज में कन्वर्ट करना चाहते हो करो, फ्रेंच वगैरह आता है, जर्मन आता है तो कन्वर्ट कर लो उसमें। चलिए, कितने लोगों को जीआईएफ याद है? जीआईएफ कितने लोगों को याद है? स्टेप वाइज फंक्शन। हाँ, क्या 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 था? स्टेप वाइज फंक्शन। कौन है ये महान व्यक्ति? कौन है? सही बोले थे यार, डर गए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, जीआईएफ मतलब वो व्हाट्सएप वाला नहीं यार। जीआईएफ मतलब व्हाट्सएप वाला नहीं है। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जैक्टली, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये देखो ओम, ये होता है जब आप पढ़ाई से ज्यादा व्हाट्सएप पे पढ़ाई करते हो ना। कुछ लोगों ने तो जीएफ समझ लिया होगा क्या? जीआईएफ, ठीक है, आई है बीच में, जीएफ नहीं है ये। सो नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन कितने लोगों को याद है यार? एक बार हैंड रेस करना, तो लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस फंक्शन। सर जहां तक मतलब याद का बात है, थोड़ा मेरा बस हिंट दे दीजिएगा तो याद हो जाएगा। और जितने लोगों ने नाम नहीं सुने नो पे क्लिक करें। जितने लोगों को याद है वो हैंड रेस करेंगे, और जितने लोगों को नाम ही नहीं सुना है नो पे क्लिक करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ सच कितने लोग बोल रहे हैं, पता चल जाता है उसे। अब कितना लोग मेरे क्लास में है प्रेजेंट, मतलब मेंटली प्रेजेंट है? पांच लोगों ने हैंड रेस किया है। अच्छा, वो लोग भी है जो नाम सुने हैं लेकिन भूल गए क्या है। वो करे क्लिक, किस पे क्लिक करोगे यार? और कुछ है क्या यहाँ पे? यस ना, दोनों। हाँ, तो जिन लोगों ने नाम सुना है भूल गए हैं वो यस पे क्लिक करे, और जिन लोगों ने नाम ही नहीं सुना है वो नो पे क्लिक करे। तो अभी फिलहाल पांच लोग हैं जिनको थोड़ा मोड़ा पता है, रोशन, अनुष्का, दीक्षा, अनिकेत और अनिमेश। और नाम सुने हैं लेकिन भूल गए हैं वो लोग हैं आयुष, अभिषेक, अंशु, आर्यन, आशुतोष, दिव्यांशु, हर्षित। कहाँ चले गए? सर यस लिखा हूँ सर। अच्छा, चैट में लिखे हो। निखिल, मुस्कान, आपने कुछ नहीं किया, मैं क्या समझो इसका मतलब? रोहित, आपने कुछ नहीं लिखा है, क्या समझो इसका मतलब? सर मतलब कभी याद आता है कभी भूल जाते। चलिए चलिए ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वैसे कोई एक एक्सप्लेन करो तो पहले। अनिकेत, क्या होता था? अनिकेत, यस सर, क्या होता था? हाँ सर, वहाँ पे हम लोग जो कोई भी नंबर लेते थे उसमें, हाँ, अगर जो सर कोई इंटीजर, हम लोग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसको हम इंटीजर में ही रखते हैं, और उसके लेफ्ट मतलब जो नंबर होता है, या जैसे कि 1.9 हुआ, उसके हम लोग राउंडिंग जो वैल्यू लेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा इंटीजर वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है,
मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो अनिकेत ने बोला है. सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना किसी भी वैल्यू के लिए निकाली जाती है, कोई एक नंबर के लिए, मतलब ऐसा कोई एक नंबर के लिए, ठीक है. मान लो इट कैन बी एनी रियल नंबर, लेट्स से एक्स, और आप उसको जब स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में डालते हो तो आप इसको पढ़ोगे कि हम एक्स का जी आई एफ कैलकुलेट करना चाहते हैं. इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स. इस लाइन को समझने के लिए लेट्स ट्राई टू टेक जो एग्जांपल अभी अनिकेत ने लिया था. मान लीजिए हम 1.9 का जीआईएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है. तो 1.9 का जीआईएफ का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 1.9 कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करने वाला है ना. 1 के लेफ्ट में 0 वगैरह भी मिलेगा. तो अब आपको क्या देखना होता है, बेसिकली आपको देखना होता है कि वो जो वैल्यू है 1.9, क्या वो एक इंटीजर है. अगर वो एक इंटीजर है तो वही उसका आंसर होगा, लेकिन अगर वो एक इंटीजर नहीं है तो आपको जस्ट उसके लेफ्ट में जो इंटीजर दिख रहा है नंबर लाइन पे, वो आपका आंसर होगा, ठीक है. क्या चेक करना है, अगर आप एक्स का जीआईएफ कैलकुलेट करना चाहते हो और एक्स खुद एक इंटीजर है तो वही आपका आउटपुट होगा, लेकिन अगर वो एक इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे उसके जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर दिख रहा होगा वो आपका आउटपुट होगा. जैसे 1.9 के लिए क्या बोलोगे, 1.9 का जीआईएफ कैलकुलेट करने का मतलब है वो इंटीजर जो कि या तो 1.9 के बराबर हो या 1.9 से छोटा, जस्ट छोटा हो, ठीक है. वो इंटीजर जो या तो 1.9 के बराबर हो या 1.9 से जस्ट छोटा हो. अब 1.9 खुद इंटीजर तो है नहीं, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है गाइस, जस्ट छोटा इंटीजर है 1. तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. एम आई क्लियर? अभी तो क्लियर नहीं हुआ होगा, एक दो एग्जांपल और लेना पड़ेगा. चलिए मुझे बताओ 2.5 का जीआईएफ क्या होगा, 0 का जीआईएफ क्या होगा, उसके बाद चलिए पहले मेरे को चैट में बताओ 2.5 का जीआईएफ क्या होगा. ठीक है, तो 2.5 का आई बिलीव सबको फील कर पा रहे हो कि 2.5 खुद एक इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2. 0 इंटीजर है तो उसका आउटपुट में 0 ही आएगा. अच्छा चलो ठीक है, बताओ तो -2.5 का क्या रहेगा यार, -2.5 का, -2.5 अनिमेश चेक करो गलती. सर -2. हिमांशु, हर्षित अनाउंसमेंट करके गलती नहीं करते, बेइज्जती होती है उससे. कोई नहीं सर, सीखने के लिए इतना चलता है. हाँ ठीक है, गलती करो उसके बाद फकर करो, है जल्दी आंसर करने के चक्कर में गलतियां होती है. अंशु 0.5 नहीं होगा, शुभम -1 नहीं होगा. डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करेगा इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, -2.5 खुद एक इंटीजर है. -2.5 किसके बीच में आता है, तो -2 और -3 के बीच में आता है, ठीक है. तो अपना -2.5 कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं. अब -2.5 खुद एक इंटीजर तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको उसके जस्ट लेफ्ट में देखना है. जस्ट लेफ्ट में कौन दिख रहा है, -3 दिख रहा है कि -2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, -3, ठीक है. तो इसीलिए हमारा इसका जीआईएफ होगा -3. एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज आप सबको समझ में आया? सर -2 क्यों नहीं, -2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर्षित डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
हम -2.5 का GIF निकालेंगे तो हमको बेसिकली देखना होता है वो इंटीजर जो -2.5 के बराबर है या उससे जस्ट छोटा है, वो इंटीजर जो -2.5 के बराबर है या जस्ट उससे छोटा है। अब -2 जो है वो -2.5 से बड़ा है ना, नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन पे किसी के राइट में देखोगे तो उससे बड़ा वैल्यू दिखता है, किसी के लेफ्ट में देखोगे तो उससे छोटा वैल्यू दिखता है। तो -2.5 के राइट में हमको उससे बड़ा वैल्यू दिख रहा है -2, और उसके लेफ्ट में हमको उससे छोटा वैल्यू दिख रहा है -3। दिस इज द रीजन, इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए। अब रोशन आपका जो क्वेश्चन था ना, अब यहीं पे वो आपके दिमाग से थोड़ा सा क्लियर होगा। मानो गाइस मैं आप लोगों को पूछता हूं, क्वेश्चन इज कि एक फंक्शन है हमारे पास यही GIF वाला। अब आपको GIF का मतलब पता चल गया है कि वो सिर्फ WhatsApp वाला नहीं होता है। अब अगर मैं आपको यहां पे कैलकुलेट करने दूं, कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस 1, आपका आंसर क्या होगा? मैं दो दो मैं ना दो दो केसेस, दो तीन केसेस देता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे आप LHL RHL बताओ, फिर x का वैल्यू मान लीजिए 1.5 पे आप LHL RHL बताओ, इन दोनों पे बताना। सोचिए, इसी के साथ हम क्लास को एंड भी कर देंगे, तो अच्छे से इसको ट्राई करो। वी हैव गुड 10-15 मिनट्स। बताइए जल्दी, हरी अप। एक एक ही मैसेज लिखो अनुष्का चैट में, मतलब LHL लिखो RHL लिखो। वेरी गुड रोशन, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? फिर नहीं रिवांश, फर्स्ट वाला गलत लिखे हो, सेकंड वाला भी गलत लिखे हो। नो अनुष्का, ऋतिक लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा वो बताओ। देखिए मैं समझाता हूं इसको। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारा जो x होगा वो 1 माइनस को अप्रोच कर रहा होगा, 1 से थोड़े छोटे वैल्यूज होंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या रहेगा गाइस, राइट हैंड लिमिट में x विल अप्रोच 1 प्लस, 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रहने वाला है, 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो अब अगर हम इसको यहां चेक करें, अब आपको समझना है गाइस, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग। सबसे पहले आप में से जितनों के दिमाग में आ रहा है कि मुझको x के जगह पे 1 पुट करना है, I am not asking, पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में मैं उस फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा था, जैसे GIF का वैल्यू पूछ रहा था उन पॉइंट पे।
अब मैं आपको यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करने दे रहा हूँ। तो जब मैं आपको x इज इक्वल टू वन पे लिमिट कैलकुलेट करने देता हूं ना, आप कभी भी x का वैल्यू वन नहीं डालोगे। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वन से छोटी छोटी वैल्यूज डालोगे और राइट हैंड लिमिट के लिए वन से बड़ी बड़ी वैल्यूज डालोगे। ठीक है, तो अब बताओ, लेट से आई आस्क समवन टू अनम्यूट, सौरभ अनम्यूट करो एक बार। यस सर। आंसर कैलकुलेट किए हो क्या? नो सर, ये नहीं बनाया सर। नहीं बनाया, चलो कोई नहीं, अभी रहो मेरे साथ। x अप्रोचिंग टू 1 माइनस जो लिखा हुआ है इधर, इसका मतलब क्या है? आप 1 को ऐसे अप्रोच करोगे या ऐसे अप्रोच करोगे? जीरो टू वन, जीरो टू वन वाला टाइप ना। यस सर। तो गाइज, अगर हम x को 0 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो आपके जो भी वैल्यूज जा रहे होंगे सौरभ, वो सारी वैल्यूज 1 से छोटे ही रहने वाले हैं ना। यस सर। तो उस केस में अगर आप उसका जीआईएफ कैलकुलेट करते हो, अगर आप जीआईएफ कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा सर? 0.99। हाँ, मान लो कि आप 0.99 अपने मन में रख रहे हो, उसका जीआईएफ का वैल्यू कितना होगा सर? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, राइट? एवरीवन एग्रीज गाइस कि अगर आप 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट उठाते हो, 0.5, 0.6, 0.99 कुछ भी उठाते हो, उन सारे वैल्यूज का जीआईएफ का आउटपुट क्या होगा? दैट विल बी 0। ठीक है, अच्छा। और अगर हम इसको राइट से अप्रोच कर रहे हैं तब बताओ सौरभ? सर 1 हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि अब हम वैल्यूज जो भी उठा रहे होंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, कुछ भी, उन सब वो सारे के लिए जो उससे जस्ट छोटा इंटीजर दिख रहा होगा वो 1 दिख रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा LHL का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0, और हमारा RHL का वैल्यू आएगा 1। क्या सबको एग्री करते हो इस चीज से? सबको एग्री करते हो इससे? बताओ, किसी को दिक्कत है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। यस गाइस, कोई दिक्कत है किसी को? इज दिस क्लियर? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो, तो फिर x का वैल्यू 1.5 पे मेरे को जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताओ क्या होगा। x का वैल्यू 1.5 पे जल्दी से मेरे को बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा। अच्छा अच्छा, देखो ओम, बाकी लोग कैलकुलेट कीजिए। ओम, मैं कह रहा हूं कि जब आपको x इज इक्वल टू वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोला जाता है तो हम 1 से छोटा वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, राइट? इसी तरीके से समझाया मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट का। और सिमिलरली जब x का वैल्यू 1 पे आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप उस केस में x को 1 की तरफ अप्रोच कराते हो राइट साइड से, है कि नहीं? तो ये वाला कहने के लिए ये आपका ये वाला सीन है कि जब आप x को 1 की तरफ अप्रोच करा रहे हो लेफ्ट साइड से तब आपको जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आएगा। अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप उठाओगे ओम, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 0.99, सारी वैल्यूज जो 1 से जस्ट छोटी है, उन सब का आउटपुट कितना होगा? उन सब का आउटपुट कितना होगा बताओ? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 0.9 का जीआईएफ कितना होगा, क्या बोलोगे आप? 0 बोलोगे कि नहीं, राइट? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक के बीच का कोई भी नंबर उठा लीजिए, 0 से लेके 1 तक का कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसका जब आप जीआईएफ कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में मान लीजिए आपने पिक किया 1.5, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1.5 का जीआईएफ कितना होगा? 1 हो जाएगा।
क्योंकि ये खुद इंटीजर नहीं है, तो आपको इसे जस्ट छोटा इंटीजर देखना था। अगर मैं 1.1 उठा लूं जो 1 के बहुत पास में है, 1.1 का GIF कितना होगा? 1 होगा सर। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज नहीं फील कर पा रहे हो कि 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी नंबर उठाएंगे उसका GIF का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 1 ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 एंड राइट हैंड लिमिट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट 1.5 पे गाइस, 1.5 पे एक बार मैं चैट बॉक्स देखता हूं। तो सौरभ गलत हो रहा है, रितेश सही है, अनिमेश सही है, अनुष्का सही है, अंशु सिंगल मैसेज में भेजते, दिव्यांशु सही है, आयुष, आयुष यार इट इज ऑलवेज एन आउटपुट, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, जो आउटपुट है वो ऑलवेज एन इंटीजर होता है। तो LHL of 1 is not 0.999 and RHL of 1 is not 1.001. It means you have simply not understood what I have explained in the last 1.5 hours. GIF is uska output hamesha ek integer aayega. Aryan right hand limit galat likhe ho. Om right hand limit galat likhe ho. Girls mein to yahan pe girls bas sone ke liye aati hain. कभी कभार थोड़ा थोड़ा दीक्षा का रिप्लाई आता है, नीलू एंड मुस्कान तो बस ऐसे ही टाइम पास करने आते हो, घर वालों को फील दिलाते हो कि पढ़ाई कर रहे हैं। सर आप आंसर किए हैं। अनुष्का को भूल गया, अनुष्का आपका आंसर आया था, मैंने आपका नाम भी लिया था, आपने गलत आंसर दिया है राइट एंड लिमिट का। सर सही दिए आप, सही बोले, सही बोले। अच्छा अच्छा, देखिए 1.5 पे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब अपना 1.5 कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा, है कि नहीं? इसके बीच में लाई करेगा। थोड़ा सा इसको मैं और एक्सपेंड कर देता हूं, यहाँ पे 2 रखा हुआ है। अब अपना जो 1.5 होगा वो इसके बीच में लाई करने वाला है। अब गाइस जब आप 1.5 में LHL निकालोगे, जब आप 1.5 में LHL निकाल रहे होगे, LHL में क्या होता है, आप इसको ऐसे अप्रोच कर रहे हो, और जब आप RHL निकालते हो, ठीक है, RHL निकालते हो तो आप इसको ऐसे अप्रोच करोगे ना, आप उसको राइट से अप्रोच करोगे। अरे यार ठीक है, आप उसको राइट से अप्रोच करोगे, तो जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू कहीं ना कहीं 1.5 से हमेशा थोड़ी सी छोटी रहने वाली है, 1.5 से हमेशा थोड़ी सी छोटी ही रहने वाली है। तो बताइए कि उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, 1.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 1.4 मान लो, 1.3 मान लो, 1.4 का GIF कितना होगा? अब 1.4 खुद तो इंटीजर है नहीं, 1.4 खुद एक इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 आएगा। 1.3 मान लो, 1.3 खुद एक इंटीजर है नहीं, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 आएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये पता चल रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम किसी का भी कैलकुलेट करें वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट में क्या है, 1.5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, 1.6 रख लो, 1.6 का GIF कैलकुलेट करोगे तो 1.6 खुद एक इंटीजर तो नहीं है, खुद एक इंटीजर तो नहीं है, तो 1.6 से जस्ट छोटा वैल्यू क्या होगा, 1। मान लो आपने 1.5 के और पास जा रहे हो, 1.55 कर लिया आपने, 1.55 खुद एक इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा वैल्यू कौन सा होने वाला है, उससे जस्ट छोटा वैल्यू रहेगा दैट इज 1। अल्टीमेटली इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि व्हेन आई एम टेकिंग अ फ्रैक्शन लाइक 1.5 तो उसमें मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों सेम आए हैं, दोनों के दोनों सेम आए हैं। ठीक है,
और इस केस में क्या था, एक इंटीग्रल वैल्यू पे जीआईएफ का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कह सकते हैं हम लोग बेस्ड ऑन ऊपर के जो दो डेफिनेशन है उसके बेसिस में हम ये कह सकते हैं, हेंस लिमिट ऑफ जीआईएफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ जीआईएफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड लिमिट ऑफ जीआईएफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 1.5 पे एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 1.5 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू सेम आया है और यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू वन. आप देख सकते हो कि x का वैल्यू 1 पे क्या हुआ गाइस, x का वैल्यू 1 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गए और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर. दूसरे वाले केस में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आई और जब दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. अच्छा लिखने का तरीका क्या होगा ये तो हमने समझने के लिए किया है. अब अगर हम अपन प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1.5 मॉड ऑफ जीआईएफ ऑफ एक्स तो इसका वैल्यू कितना लिखाएगा, इसका वैल्यू लिखाएगा 1 एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 मॉड ऑफ जीआईएफ ऑफ एक्स तो इसका लिमिट क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है तो मैथमेटिकली दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट, मतलब ये लाइन अगर लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1.5 पे जब लिमिट कैलकुलेट किया जीआईएफ फंक्शन के लिए तो उसका वो एग्जिस्ट भी किया है और उसका वैल्यू आया है 1. जब आपको सेकंड वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन दिखेगा इससे आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम 1 पे उसका लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 पे लिमिट कैलकुलेट करने के कारण वहां पे उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब वहां पे LHL और RHL बराबर नहीं आया है फिलहाल. ओके तो आप इसको ग्राफिकली भी समझने की कोशिश कर सकते हो, अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो ग्राफ देखकर समझने की कोशिश करना, छोटा सा काम देता हूँ, कोई होमवर्क ऐसा नहीं है, थोड़ा सा NCERT को रीड कीजिएगा, क्या रीड करना है मैं बता दूंगा अभी क्योंकि हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आज सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखे हैं लिमिट का मतलब क्या होता है और लिमिट को प्रॉपर अभी फॉर्मूलाज वगैरह भी नहीं देखे, तो एक सिंपल एग्जांपल से लिमिट को कैलकुलेट करने की कोशिश की है. तो इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में विच इज ऑन सैटरडे, वहां पे आपको और थोड़ा सा मजा आएगा, बट प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप सैटरडे आने से पहले एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. रोशन ट्राई करो, सॉल्व होता है क्वेश्चन करो, पढ़ो, अच्छी बात होगी ना अगर आप खुद से पढ़ के सॉल्व कर पा रहे होगे तो आप जब अगली बार क्लास में आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ये सबके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 11th की NCERT को उठाना, आरडी शर्मा को उठाना, स्टार्टिंग के पार्ट को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, नेक्स्ट क्लास आपके लिए और यूजफुल हो जाएगा. फिर एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है तो यहीं पे फिर आज की सभा समाप्त करते हैं नीलव सर की लैंग्वेज में, और शायद इसके बाद नीलव सर ही आपकी सभा लेंगे. चलो फिर बट क्लास हैज, मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में आई विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑन रिवीजन. आज की क्लास मैंने बहुत स्लो रखा हूं एंड इट इज ओनली टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, और लिमिट का स्टार्टिंग में जो डर आता है वो डर ना हो इसलिए. बट नेक्स्ट क्लास में मैं एकदम आगे से शुरू करूंगा, कोई रिविजन एज सच नहीं होगा. मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में एक छोटा सा होमवर्क दिया था, क्या पढ़ना है आपको फंक्शंस में, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ग्राफ ऑफ सम बेसिक फंक्शंस. इसके लिए स्टार्टिंग के वीडियोस के लिंक्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है मॉड्यूल आप आपके पास 11th का तो उसमें नहीं है. हाँ वैसे उससे आप कर सकते हो मॉड्यूल से. अनुष्का फर्स्ट ऑफ ऑल इज फॉर प्रैक्टिस ना, इट डिपेंड्स. अगर आप अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के लिए, आप सॉल्व करो मॉड्यूल से क्वेश्चन. मैं सैटरडे को मॉड्यूल का DSS रखा हूँ, अगर आप आना चाहो तो उधर आ जाना. ठीक है मॉड्यूल में जो पीछे TPP है ना, टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स,
तो वो मैंने उसका सैटरडे को आज शाम को अपना आरडी शर्मा का डीएसए थे डिटरमिनेंट्स का, याद रखिएगा। और